Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया, यानी प्रकट हो गया। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वाली पतंग उड़ाएंगे और इससे काइट फाइटिंग करेंगे। और वो देखिए, आसमान में पतंग लड़ रही है, कई सारी पतंगे हैं। और हम लोग मुंबई से वापस आकर के ये जो है बड़ी अजीब सी दिखती है पतंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, ओहो ये तो थोड़ी सी अंदर जा रही है, इसको ठीक करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी जो है राइट साइड को जा रही है, तो शायद ठीक हो गया होगा। तो अब इसको हम उड़ा करके देखते हैं। और ये लीजिए, अब हमने उड़ा दी इसको। बहुत पतंग उड़ रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए, दो पतंग की आपस में पेच लड़ रही है और मैं भी नीचे से आ गया अब, यानी टोटल तीन पतंग हो गया और मैं घुसा इनके। चल तेरी ऐसी की तैसी, वो काटा दोनों को एक साथ काटा। फ्रेंड्स, मजा आया। वो देखिए, दो दो जा रही है, इनको लपेटने की भी कोशिश करता हूँ, शायद लपट जाए। लपट जा, 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 लपट जा। फ्रेंड्स, इन दोनों की पेस्ट लगी हुई थी और मैंने क्या किया, इन दोनों को ही काट दिया एक साथ। वो देखिए जा रही है, निकल गई फ्रेंड्स। इन दोनों की पेस्ट लड़ रही थी और मैंने बीच में घुसा करके खींच दिया, दोनों की दोनों ही एक साथ चली गई। अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ना खुंदक में होंगे, ये मेरे से बदला लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वो देखिए फ्रेंड्स, दोनों निकलती हुई जा रही है। फ्रेंड्स, अभी बहुत बहुत ज़्यादा मजा आया। मैं आपको बताऊं कि दोनों पतंग की फ्रेंड्स ढीलम पे ढील चल रही थी और दोनों पतंगों की पेच फंसी हुई थी फ्रेंड्स, और काफ़ी पीछे से उड़ती उड़ती फ्रेंड्स हमारे छत को क्रॉस करके आगे निकल गई थी। और मैंने अपनी पतंग उड़ाई, मैं नीचे से गया फ्रेंड्स और एक दो चक्कर दे करके अपनी पतंग थोड़ी सी आगे रख करके फ्रेंड्स तेज़ी से खींचा, जितना तेज खींचा जा सकता था फ्रेंड्स, दोनों ही उछल करके निकल गई। आप लोग वीडियो को ठीक से देखना, बड़ा मज़ा आएगा। अब मैं आगे लड़ाऊँगा, अब मेरी जो पतंग लड़ेगी 300-400 मीटर के लगभग लड़ेगी फ्रेंड्स। और मैं आपको बताऊं कि वो लोग भी अब मेरे से ना रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पीछे से उड़ाए ना, अब मैं आगे लड़ाने जाऊंगा ना, वो मेरे जरूर हाथ पे से काटने की कोशिश करेंगे, यानी सद्दी पे से काटने की कोशिश करेंगे। तो मैं कैमरामैन को बताता हूँ, फटाफट DSLR निकाले और पेस दिखाए। ये ऊपर वाली पतंग मेरी है फ्रेंड्स, ओपोनेंट की नीचे वाली पतंग है। अरे यार, आसमान में ही चढ़ाता जा रहा है यार, थोड़ा सा पट तो कर ले भाई। यस, और पट कर। ओहो, कट गया फ्रेंड्स, कट गया, बहुत अच्छा काट दिया उसने। उसने भीतर के चक्करों पे रख दिया था, काट दिया उसने, बहुत ही अच्छा काटा। नीली सद्दी आ गई, पिंक सद्दी भी आ रही है, अब पता नहीं मंझाएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वाली पतंग को उड़ाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि इस वाले जो अभी पेच मेरा कट गया, इसमें ओपोनेंट ने बहुत अच्छा लड़ा दिया। और उसने क्या किया फ्रेंड्स, जैसे मैंने ऊपर से गद्दा मारा, मेरे पतंग में थोड़ी सी डिफेक्ट थी, और जैसे मैंने गद्दा मारा फ्रेंड्स, उसने थोड़ा सा भीतर खींच दिया, और भीतर खींच करके उसने भीतर का ही चक्कर, उसकी पतंग काफ़ी टाइट रही होगी, मेरी पतंग कट करके निकल गई, उछलती कूदती गई फ्रेंड्स मेरी पतंग। तो चलिए अब इसको भी उड़ाते हैं, कटेगी कि काटेगी सब बात की बात है। थोड़ा सा इसको हम खींच करके देखेंगे। ये पतंग थोड़ी सी बाहर की है, पहले वाली अंदर थी, अब बाहर की हो गई। पता नहीं कैसी कैसी पतंगें हैं, बाहर की पतंग तो लड़ जाएगी, अंदर की नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ही कुछ बाहर की है, इसको ठीक करना पड़ेगा।
फ्रेंड्स देखिए काफ़ी सारा मांझा बच करके आ गया। आज हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है, पता नहीं बच्चे कहाँ हैं, पता नहीं कुछ कहीं गए होंगे। काफ़ी सारे जो है बच्चे हमारे मांझा उंझा सब तोड़ते रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं। हमने भी अपने बचपन में बहुत मांझा उंझा पतंग वतंग तोड़ा है लोगों की, तो इसलिए अब हमारे साथ तो ऐसा होना लाजमी है ना, हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। काइट फाइटिंग में गुस्सा किस बात का, काइट फाइटिंग में तो हम लोग जो है अपने टेंशन को भगाने के लिए आते हैं। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा निकालना है ना, तो आप उसके ऊपर गुस्सा निकाल करके उसको बोलो पतंग उड़ा मैं तेरी पतंग काट, तो उसकी पतंग काट करके अपना गुस्सा निकाल दो, है ना फ्रेंड्स। चलो अब तुम उससे दिखाओ DSLR से। फिर से उससे गद्दा मारा था फ्रेंड्स ऊपर से, लेकिन अलग हो गया पेच, पेच हो नहीं पा रहा ढंग से। मैंने खींचना शुरू कर दिया फ्रेंड्स, चाहे कटे चाहे कुछ भी हो। ओहो कट गया फ्रेंड्स, फिर से कट गया, बहुत दूर निकल गया था पेच, कट गया फ्रेंड्स फिर से। जूम इन जूम आउट में आपको पता लग जाएगा कि पेज कितनी दूर था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस वाली पतंग को उड़ाने लग रहे हैं और दो पेज मेरी लगातार कट गई फ्रेंड्स, दोनों ही पेज पे ओपोनेंट ने बहुत अच्छा काट दिया, तो ओपोनेंट को एक थम्सअप ओपोनेंट को। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको उड़ाने लग रहे हैं और इसमें मांझा भी मेरे को बांधना पड़ेगा, इसमें अभी थोड़ा सा ही 50 मीटर के करीब मांझा रह गया जो सफिशियंट नहीं है। तो चलिए अब पहले हम लोग इसको उड़ा देते हैं, फिर मांझे को बाद में लगाते हैं। हियर वी गो नाउ, ये गया फ्रेंड्स मेरी ये भी पतंग, बहुत मस्त है। मेरे को नीचे चढ़ाना है, ओपोनेंट ऊपर चढ़ाएगा फ्रेंड्स। ऊपर नीचे हो गया, काट दी फ्रेंड्स। हा 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 मज़ा आ गया, बहुत मेहनत करना पड़ा भाई इस पेज के अंदर, सांस फूल गए एकदम, सांस फूल के गुब्बारा हो गया, लेकिन पेज काट दिया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊं, तीन बार खींचना पड़ा, एक बार खींचा रुका, मुड्डा गलत हो गया था मेरा, फिर दोबारा मुड्डा सेट किया, फिर खींचा, फिर गलत हो गया था, ओपोनेंट ने बहुत अच्छा भीतर का रख लिया था तो मैंने नहीं खींचा, फिर तीसरी बार चक्कर दे करके फ्रेंड्स जैसे मेरा मुड्डा सच्चा हुआ पूरा खींचा पूरा, सांस फूल के फ्रेंड्स ऐसे बलून में जैसे हवा भरते ना वैसे मेरे दोनों फेफड़ों में हवा भर गया। और मैंने इस बार पेच क्यों काटा है मालूम है, क्योंकि मैंने अपनी वो देखो वो जो ऊपर का अपर था ना उसको उतार दिया, ये देखो ये इसको उतार दिया मैंने, ये देखो ये उतारा तो पेच काटा है, पहले ही अगर उतार देता ना तो पहले भी पेच काट देता फ्रेंड्स, इससे क्या होता ना धपड़ 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 होता रहता तो पतंग खींचती नहीं है। अब देखो सही खींची है, तो अगले पेच का देखिए, हवा बैठती जा रही है, हो सकता है पतंग ही उतारना पड़ जाए।
फ्रेंड्स अब ऊपर नीचे होने वाला है, ओपोनेंट ऊपर चढ़ाएगा, मैं नीचे चढ़ाऊंगा, और ये ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड्स। अरे यार कट गया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पेच काट दिया। हाँ क्या हाल है मुकेश? कट गया फ्रेंड्स ये वाला पेच ओपोनेंट ने बहुत अच्छा नहीं काटा, मेरी गलती से कट गई। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, मेरे पीछे आके कोई खड़ा हो गया था, मेरे को पता ही नहीं था, और जैसे ही मैं पीछे हटा तो मेरे को अचानक कोई दिखा तो मैं रुक गया फ्रेंड्स, और रुकने की वजह से मेरी पतंग कट गई। तो खैर काइट फाइटिंग में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और ये सब चीज़ें कॉमन हैं, और इसको आप बहाना भी कह सकते हैं हिसाब से, जो ना था हो गया, लेकिन मेरी पतंग बहुत अच्छी थी, कट गई। और फ्रेंड्स अभी मेरे को और भी पतंग, ये देखिए मेरे पास पतंग पड़ा हुआ है, ये एक पतंग पड़ा, मांझा उंझा सब है मेरे पास, काफ़ी पतंगे हैं, लेकिन फ्रेंड्स हवा बैठ गई है तो इस करके जो है और पतंग उड़ाना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सुमन। बहुत जल्दी हम आपको अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।